Hi everyone. Hi everyone. Good afternoon. Welcome back to the Pathshala by Supreet. हाय गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू क्लास. आज हम लोग कर रहे हैं डे फोर एंड दिस इज़ अगेन पॉलिटिकल थ्योरी. आज की क्लास होने वाली है ऑन पावर. पावर का काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट आर डिस्कशन ऑन पावर. इन केस आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं सुप्रीत लाइव, सो दैट आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए ऑन अनअकैडमी प्लस. नाउ हाय गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाय वेलकम बैक. पावर से स्टार्ट करते हैं. जब भी हम पावर वर्ड यूज़ करते हैं हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि वो नेसेसरी लीगल नहीं होता, नेसेसरीली लॉ से रिलेटेड नहीं होता, नेसेसरी ऑल गुड साइड नहीं होती है. पावर में ऑफ कोर्स लीगल चीज़ें भी आती है एंड पावर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डायमेंशन विच इज़ इलीगल. तो अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती करी जा रही है, फोर्सफुली करी जा रही है, डोमिनेशन से करी जा रही है, वो भी पावर ही माना जाएगा. हम जो बेसिक डेफिनेशन है पॉल साइंस की उसमें कहते हैं कि किसी के माइंड और एक्शन को कंट्रोल करने की जो हिम्मत या एबिलिटी या ताकत होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग और उसके किए जाने वाले एक्शंस को कंट्रोल करने की जो इंसान के अंदर क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे पावर कहते हैं. जब हम पॉल साइंस में आईआर वाली पावर की बात करते हैं तो हम यही सेम डेफिनेशन स्टेट्स पे लगा देते हैं कि जब स्टेट्स एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं, जब एक दूसरे को कैप्चर करने की कोशिश करती है, एक दूसरे के बिहेवियर कंट्रोल करती हैं, तो फिर वो पावर कहला देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज पावर दो तरीके से होती है, पावर ओवर एंड पावर टू. हमारी किसी के ऊपर पावर और कुछ करने की पावर, ये दोनों अलग हैं. ठीक है, किसी की जो ऊपर पावर होती है वो पावर नेगेटिव होती है, उस पावर में डर होता है. बिकॉज जब आप किसी के ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हो तो वो काम करना नहीं चाहता, लेकिन आपके डर के मारे वो काम करने को रेडी हो जाता है. सो जब आप किसी और को फोर्स करते हो कुछ यूज करने के लिए, कुछ फॉलो करने के लिए जो वो खुद करना नहीं चाहता था, बट आपने उसे प्रेशराइज किया, डोमिनेट किया, कंट्रोल किया कि नहीं नहीं तुम ये करो, जहां कोअर्सिवनेस आ जाता है वहां पावर ओवर या नेगेटिव पावर आ जाती है. बिकॉज आप किसी से वो काम करा रहे हो जो वो एक्चुअली रियल में करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. वेयर एज जो सेकेंड पार्ट है पावर टू, ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावर का रूप होता है, बहुत ही एम्पावरिंग रूप होता है. जैसे किसी के लिए कुछ कर लेना, कुछ करने की ताकत रखना, जैसे प्रधानमंत्री के पास लोगों को अच्छी पॉलिसीज देने की ताकत है, किसी पढ़ी लिखी महिला के पास एक एम्पावरमेंट ग्रुप चलाने की पावर है. तो बेसिकली जब आप समाज में बच्चों को एम्पावर करते हो, विमेन को एम्पावर करते हो, तो आप उनको पावर देते हो, उनसे कुछ लेते या उनसे जबरदस्ती नहीं करते. तो ये पॉजिटिव रूप है पावर का. तो पावर ओवर, किसी की मर्जी के खिलाफ उसको डोमिनेट करना, नेगेटिव पावर होती है. वेयर एज पावर टू एक पॉजिटिव पावर होती है, यानी किसी के लिए कुछ कर जाना, उसकी मदद कर देना, उसे सपोर्ट कर देना एटसेट्रा. पावर का चैप्टर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट वहां जाके हो जाता है जहां पावर की डेफिनेशंस मिसिंग होती है. पावर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं सोच के कि अरे छोड़ो कौन ही पूछेगा एक एक नाम, बट दैट्स द डील. पावर में जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पर पर्सन पर ऑथर का क्या थॉट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर पावर में एक बड़े लीडर का नाम लूँ, बड़े ऑथर का सॉरी नाम लूँ, तो वो रॉबर्ट डाल है.
रॉबर्ट डाल की एक बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, उसमें रॉबर्ट डाल वो डेफिनेशन देते हैं कि पावर एक प्रकार का इन्फ्लुएंस है। पावर एक तरीके का किसी के ऊपर इफेक्ट होता है जो उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने को मजबूर कर देता है जो वो वैसे ना करता, बट किसी के प्रभाव में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो काम करने को तैयार हो जा रहा है। तो रॉबर्ट डाल की जो डेफिनेशन है वो बेसिक में आती है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पावर। इसके बाद जो डेविड ईस्टन है, जिसको आप जनरली सिस्टम्स अप्रोच में पढ़ते हो, उसने भी पावर का डिमेंशन दिया हुआ है, और उसमें वो ये कहता है कि जब एक व्यक्ति या एक ग्रुप किसी और व्यक्ति से काम करा लेता है, किसी और को कुछ काम करने को मजबूर कर देता है अपने तरीके से, मतलब ए को बी से कुछ काम कराना था और उसने बी को इस तरीके से ढाल दिया, उसका माइंड ऐसे प्रिपेयर कर दिया कि वो ए के डायरेक्शन में ही काम करने लग गया, जैसा जैसा ए ने बोला उसने वैसा वैसा काम किया, तो उसको भी पावर ही कहते हैं। एक और मेजर थिंकर है हमारे पास, थॉमस हॉब्स, जिसने लेवियाथन लिखा जो कि उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। थॉमस हॉब्स को जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स में से सबसे पहला पढ़ते हैं, हॉब्स लॉ क्रूसो में से हॉब्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम। तो थॉमस हॉब्स एक्चुअली एक इंडिविजुअलिस्टिक यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी को फॉलो करता है, जिसे अक्सर उसके कॉन्टेक्स्ट में फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म भी कहते हैं। जब हम हॉब्स का ये फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि हॉब्स वन ऑफ दोज थिंकर्स है जो ये कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने जो प्लेजर्स होते हैं, खुशी होती है, उसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, एंड जहाँ जहाँ उसे लगता है कि गम है, दुख है, वहाँ से वो भाग जाता है। तो थॉमस हॉब्स का ये डेफिनेशन है ऑन लेवियाथन। इसके बाद हैना एरेंट की बात करते हैं। हैना एरेंट का कॉन्सेप्ट ऑन वायलेंस है। ऑन वायलेंस उनकी बहुत 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 फेमस बुक है, मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि हैना एरेंट से अगर कोई क्वेश्चन आता था तो वो ऑन वायलेंस आता था, क्योंकि पहले हैना एरेंट वेस्टर्न थॉट में एडेड नहीं थी सिलेबस में, तो उनकी बुक इस चैप्टर से पूछी जाती थी। ऑन वायलेंस के बारे में थोड़ा सा बाद में भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं आपको लास्ट ईयर का PYQ बताती हूँ। ये 2020 में आया था, अक्टूबर अटेम्प्ट में, कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर क्या होता है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर एक्चुअली दो तीन तरीके से समझाया जा सकता है। पहला तरीका तो यही होता है ऑफ कोर्स कि ये पारिवारिक तरीका होता है, मतलब इसमें जनरली फैमिलीज की पुरानी जनरेशंस जो हैं वो काफी अमीर भी रही होती हैं, लाइक रिच भी रही होती हैं और पावरफुल भी रही होती हैं। समहाउ ये एक फैक्ट होता है कि पावरफुल के पास पैसा आ ही जाता है। इनिशियली अगर आप पैसे के बिना भी शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे वो पावर से पैसा इकट्ठा कर ही लेते हो, ये एक अनसेड रूल है। वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर साथ में ही चलती है। तो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर में अक्सर जनरेशंस ऑफ फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, जमींदारों के परिवार या फिर विधायक के परिवार या फिर ऐसी कोई पॉलिटिकल पोजीशन जो उन्होंने, सरपंच का परिवार, जो बहुत दो तीन पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा हो। लेकिन ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जब हम वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं तो रोमन से ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं वहां पर जो पावर का इम्पैक्ट था वो चर्च से ज्यादा कनेक्टेड था रादर देन एनीथिंग एल्स। तो मतलब उस टाइम पर, जैसे मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया था पोप वाला एग्जाम्पल, तो जो पोप का केस है, जो कि एक चर्च क्रिश्चियनिटी हेड के रूप में हम देखते हैं, वहां पर उसी के पास सब कुछ पावर होता था, वही पोजिशन सब कुछ होता था। जबकि आज यूरोप में सबके पास अपने अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन तब पोप ही सब कुछ होता था। आज भी यूरोप में पोप बहुत बड़ा नाम है, लेकिन धार्मिक नाम है। तो ऐसा एक टाइम था यूरोप में जब धार्मिक और राजनीतिक के बीच में कोई फर्क नहीं था, मतलब देर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन पोलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फीलिंग्स। तो जो काम पोप करना, उसके उसकी पोजीशन जिसके लिए बनाई गई थी, वो धर्म या स्पिरिचुअल था, बट ऑन दी अदर हैंड वो पॉलिटिकल काम भी कर रहा था साथ में, विच वॉज अनफेयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खल रही थी कि चर्च इतना इंटरफेयरिंग क्यों बन रहा है। इसके बाद पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सॉरी पॉलिटिक्स और धर्म के रास्ते अलग अलग हो गए। तो आज की डेट में ये व्यूज ऑफ पावर बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन आपको एक एक्सक्यूज मी आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ रेफरेंस के लिए। अगर आप ब्रिटेन को देखो तो ब्रिटेन में मिक्सचर है ट्रेडिशनल और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर का।
बिकॉज ब्रिटेन आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब ब्रिटेन में आज भी क्वीन को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, जो कि एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पावर है, क्योंकि क्वीन को जो पावर हासिल हुई है वो पारिवारिक पावर है। तो अगर हम उस रेफरेंस से देखें तो वहां आज भी एक हिस्सा ट्रेडिशनल व्यू पावर का है, लेकिन एक हिस्सा प्रधानमंत्री की तरफ से है, तो ऑब्वियसली वहां पे मॉडर्निटी भी ऐड हो गया है। सो ये फर्स्ट कैटेगरी है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी। अब इस क्लास के मेन पार्ट पे बढ़ते हैं, स्टीवान लूक्स के बारे में बात करते हैं। स्टीवान लूक्स अक्सर वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस होता है फ्रॉम पावर, बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पावर के ऊपर स्टीवान लूक्स के आइडियाज क्लियर होते हैं। एक्चुअली स्टीवान लूक्स ने एक किताब लिखी हुई है, पावर अ रेडिकल व्यू, 1974 में। ये जो किताब है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम दोगे, मतलब जिसमें थोड़ा सा भी ऐसा है कि टफ हो सकती हैं चीजें, तो स्टीवान लूक्स का क्वेश्चन पक्का होता है। जैसे अगर आप जेएनयू की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अगर आप डीयू का पीएचडी एमफिल एंट्रेंस दोगे तो ये आपको जरूर मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि नेट में आता नहीं है, नेट में भी आता है क्वेश्चन, लेकिन इसके डिटेल्स बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा तो। स्टार्ट करते हैं स्टीवान लूक्स के एक्सप्लेनेशन से। इसकी जो किताब है अ रेडिकल व्यू, इसमें स्टीवान लूक्स ने तीन डायमेंशंस ऑफ पावर समझाए हैं। अगर आप लोगों को डायमेंशंस नहीं पता तो मैं आप लोगों को, जैसे अगर हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम उसकी एल बी एच मेजर करते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर हमें एक क्यूब को मेजर करना है तो हम उसकी तीन डायमेंशंस को मेजर करेंगे, उसकी लेंथ मेजर करेंगे, उसकी ब्रेथ मेजर करेंगे और उसकी हाइट मेजर करेंगे। ये जो हमारे डायमेंशंस है, ये जो हमारे कोने हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्टीवान लूक्स ने पावर के तीन कोने डिफाइन किए हैं। जैसे आप एक क्यूब में उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफाइन करते हो, वैसे ही लूक्स ने पावर में उसके तीन डायमेंशंस डिफाइन करे हैं। डायमेंशन नंबर वन और डायमेंशन नंबर टू तो बहुत ज्यादा पुराने टाइप के हैं, वो तो मतलब ऐसे हैं कि आपने 10 और थिंकर्स की भाषा में भी पढ़े होंगे, लेकिन जो मेन डायमेंशन है इन तीनों में से वो थर्ड डायमेंशन है। जो थर्ड क्रिटिकल डायमेंशन है पावर का, वो स्टीवान लूक्स ने किसी की मदद से प्रिपेयर किया है, उसके इन्फ्लुएंस रहे हैं एंटोनियो ग्राम्स्की एंड लुइस आल्थूसर। जब आप पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ग्राम्स्की और आल्थूसर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो तीसरा डायमेंशन है वो ज्यादा स्पेशल है, और वो किसकी मदद से लिया गया है, वो ग्राम्स्की और आल्थूसर की मदद से तैयार किया गया है, मतलब मदद से मतलब उन्हें पढ़ के। वैसे तो लूक्स ने एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है पावर की, ऐसा नहीं है कि उसने डिफाइन नहीं किया। उसने ये कहा है, ए एक्सरसाइजेस पावर ओवर बी व्हेन ए अफेक्ट्स बी इन अ मैनर कॉन्ट्ररी टू बीज इंटरेस्ट। जब वो बेसिक डेफिनेशन देता है ऑन जब वो बेसिक डेफिनेशन देता है ऑफ पावर, तो ये कहता है कि पावर के केस में ए जब बी के ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है तो वो कुछ ऐसे करता है कि बी का इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर ए ये है, ए को नॉर्थ डायरेक्शन में जाना था, लेकिन बी बोला कि मुझे साउथ डायरेक्शन में जाना है। ए ने इसको इन्फ्लुएंस कर लिया कि तुम मेरे साथ नॉर्थ में चलो, वैसे बी का इंटरेस्ट साउथ जाने में था, लेकिन ए के कहने की वजह से वो नॉर्थ में चला गया, तो उसने वो काम कर दिया जो वो अदरवाइज करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रख रहा था। इसके इंटरेस्ट से, इसकी चॉइस से उल्टा था बिल्कुल वो फैसला, लेकिन उसने फिर भी मान लिया क्योंकि ए ने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया अपनी पावर इस्तेमाल करके। इसको बेसिक डेफिनेशन ऑफ लूक्स कहते हैं। इस डेफिनेशन में आपको कुछ बहुत ज्यादा ऐसे यूनिक या मजेदार नहीं लग रहा होगा,
आपको लग रहा होगा यार ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी जेनरिक सी डेफिनेशन है। ऐसी डेफिनेशन तो हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी पढ़ ली थी, ऐसी डेफिनेशन तो हम हजार जगह पढ़ते हैं, डाल भी बोलता है। तो फिर लुक्स में ऐसा क्या डिफरेंट है? लुक्स के थ्री डायमेंशनल अकाउंट हैं जो वो इस डेफिनेशन को पक्का करते हैं और कुछ यूनिक ऑफर करते हैं। थ्री डायमेंशन में से फर्स्ट डायमेंशन आपको पहले पढ़ाती हूँ। जो फर्स्ट डायमेंशन है वो बिहेवियर से जुड़ा होता है या फिर डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी परिवार में, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में जब कोई फैसला लेना होता है, जब कोई डिसीजन पर आना होता है, तो लड़ाई होना, कॉन्ट्रडिक्शंस होना, एक दूसरे की बात ना समझ पाना, डिस्कशंस करना बहुत ही आम बात है। जब आप बहुत सारे लोगों को एक फैसले पे उतरना होता है तो बहुत सारे इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में, लड़ाई होती है, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और चीजें मैच नहीं करती सोच के हिसाब से। ऐसे में एक सवाल उठता है मन में, कौन सही है और कौन गलत? बिकॉज सब अपनी तरफ से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से अपना फैसला रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई सही या गलत यहां नहीं हो सकता। तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कैसे किया जाएगा, फैसला लिया कैसे जाएगा, अंत तक कैसे पहुंचेंगे फैसला लेने के? वो ऐसे होगा कि जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी ज्यादा पावरफुल होगी उसका डिसीजन प्रिवेल करेगा। जब डिसीजन लेते समय लड़ाइयां होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो पहला डायमेंशन पावर का ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग सबसे अहम चीज होती है जहां पावर इस्तेमाल करी जाती है। जब भी फैसले लेने होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर होती है, क्योंकि फैसले उसी के ही स्वीकार किए जाते हैं जो पावरफुल होता है, बात उसी की ही सुनी जाती है जो पावरफुल होता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे देश हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अगर एक कंट्री को पॉलिसीज बनानी है तो वो 10 इंजीनियर, 10 आर्किटेक्ट, 10 साइंटिस्ट की बात सुनेगा, लेकिन आफ्टर ऑल होगा वही जो प्रधानमंत्री चाहेगा, क्योंकि उस सारे कॉन्सेप्ट की पावर पीएम के पास है। तो इवन दो हमारे डिसीजंस लेते हुए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, लेकिन समवन हु इज पावरफुल हैज होल कमांड ऑफ मेकिंग डिसीजंस। सारी जो कमांड होती है वो एक स्ट्रांग पर्सन के पास होती है, एक पावरफुल पर्सन के पास होती है। सेकेंड डायमेंशन एक्चुअली बहुत बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन में एजेंडा बदलने की बात की जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी पास करना चाहती है लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो अग्री नहीं कर रहे और बोल रहे कि नहीं ये डिसीजन बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, तो एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करने की जगह एजेंडा ही बदल दो, टॉपिक ही चेंज कर दो। जिस टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी उस टॉपिक को ही बदल डालो। तो अगर फार्मर लॉज को अनफेयर कहा जा रहा था या कॉरपोरेट लॉज बनाए जा रहे थे जिसपे फार्मर्स नाराज हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑलवेज शिफ्टेड द एजेंडा, उन्होंने एजेंडा को ही शेप कर दिया, टॉपिक को ही चेंज कर दिया, सो दैट उनके लॉज को गलत ना कहा जा सके और वो अभी भी अपनी पावर दिखा सके। तो टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ने फार्मर्स को या तो टेररिस्ट बोल दिया, या फिर उन पे केसेस लगा दिए, या फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया, या जो भी स्टेप्स उठाए सो दैट एजेंडा शेप हो जाए, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि एक्चुअली वो लॉज जो है प्राइवेटाइज करने या अगेंस्ट जाने के लिए है ही नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल लॉज है, उनके अंदर कुछ गलत नहीं है, जो गलती कर रहे हैं वो फार्मर्स कर रहे हैं। तो जो पावरफुल होता है वो अपनी साइड से ये नजरिया दिखा देता है
कि देखो मेरा तो ये टॉपिक ही नहीं था, ये फालतू में इस टॉपिक पे लड़ रहे हैं। पावरफुल लड़ने की बजाय, व्यू पॉइंट रखने की बजाय इतनी क्षमता रखता है कि वो एक्चुअली एजेंडा ही शेप कर देता है, वो टॉपिक ही चेंज कर देता है ताकि उस लड़ाई को जो है कंक्लूड करा जा सके और जो वो चाहता था वही हो। जो थर्ड डायमेंशन है वो सबसे अलग है। थर्ड डायमेंशन ये है कि कई बार लोग ऐसा बिहेव करते हैं अपनी मर्जी से जो एक्चुअली उनके मोस्ट बेसिक इंटरेस्ट के बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि कई बार जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो हमें ऐसे चेंज कर देता है, हमारी सोच इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है कि हम उसकी सोच में ही अपनी सोच ढूंढने लगते हैं। हमारी अपनी चॉइसेस, हमारे अपने ख्वाब, हमारे अपने आइडियाज सब खत्म हो जाते हैं। हम बिल्कुल उसके जैसा सोचने लगते हैं, जैसा वो कह रहा है, जैसा वो चाहता है, जैसा वो बोल रहा है, हम वैसे हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फाइट करके हो, जरूरी नहीं है वो फोर्सफुल हो। इट इज एक्चुअली अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक्चुअली एन आइडियोलॉजिकल इफेक्ट। आपको कोई मार के वो चीज एक्सेप्ट नहीं करवाता, आपको कोई फोर्स नहीं करता, कोई वायलेंट नहीं होता। आप उसकी आइडियोलॉजी से ऐसे जुड़ जाते हो कि आप एक दिल में धारणा बना लेते हो कि मेरी सोच भी वैसी ही है। जिसको आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, ग्राम्स्की के टर्म्स में, हेजमनी या रूल बाय कंसेंट के नाम से जानते हो, यानी जब कोई व्यक्ति रूलिंग क्लास को सरेंडर कर देता है कंसेंट के द्वारा, अपनी मर्जी के द्वारा, जब रूलिंग क्लास खुद अपनी सॉरी जो रूल्ड क्लास है वो खुद अपनी मर्जी से ये कहती है कि हाँ मुझे रूल करो, मैं कमजोर हूँ, मुझे जरूरत है इसकी। सो व्हेन सच थिंग्स हैपन, जैसे ग्राम्स्की ने बताया, जैसे हमने हेजमनी में पढ़ा, जैसे हमने ग्राम्स्की का रूल बाय कंसेंट पढ़ा, वो होती है थर्ड डायमेंशन। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बिना जाने बिना समझे आपकी बात मानने लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप उसके लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, उसे थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, ये डायमेंशन ग्राम्स्की और आल्थूसर से आया है। वो आपको साफ बोलते ही पता भी लग गया होगा कि ये डायरेक्टली ग्राम्स्की का ही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ग्राम्स्की जब अपने थ्री डायमेंशनल ऑफ पावर का एनालिसिस देते हैं तो वो ये भी अग्री करते हैं कि मेरे डायमेंशंस में कहीं ना कहीं पावर डोमिनेशन की तरह नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डोमिनेशन हमेशा मार धाड़ के होती है, फोर्सफुली होती है। डोमिनेशन नॉन फोर्सफुल भी हो सकती है, प्यार से भी हो सकती है, दिमागी खेल से भी हो सकती है जैसे ग्राम्स्की कहता है, लेकिन डोमिनेशन फोर्सफुल या लड़ाई से भी हो सकती है। तो सिवान लुक से अग्री करता है कि उसके मॉडल में दोनों चीजें पाई जाती है, डायमेंशन थ्रू फाइट एंड डायमेंशन थ्रू कोएसिव, नो सॉरी, डायमेंशन थ्रू कंसेंट। अगला क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज बाय सुजैन मॉलर ऑकिन। सुजैन मॉलर ऑकिन ने जस्टिस जेंडर एंड फैमिली नाम की बुक लिखी है। सुजैन मॉलर ऑकिन एक लिबरल फेमिनिस्ट है, यानी उन्होंने विमेन राइट्स, उनका फैमिली में रोल, पेट्रियार्कल इम्पैक्ट, इसके बारे में लिखा है। वहां पर उन्होंने ये समझाया है कि जो पेट्रियार्की है वो पावर का इतना बड़ा सोर्स है कि जो मेन और विमेन है वो दोनों ही इसी में से सब कुछ डिराइव करते हैं। मेन डोमिनेट करने की जो क्षमता है वो पेट्रियार्की से लाते हैं, और विमेन सबड्यूड होने की, दबाए जाने की जो कैपेसिटी होती है वो पेट्रियार्की से लाती है। सो कहीं ना कहीं परिवार दर परिवार ये चीज फिक्स्ड हो जाती है कि मेन आर सपोज टू डू सर्टेन थिंग्स एंड विमेन आर सपोज टू डू सर्टेन थिंग्स। विमेन खुद भी एक्सेप्ट करती है कि उनका जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए है एंड पेट्रियार्कल बाउंड्रीज के अनुसार ही उन्हें काम करना चाहिए है। नेक्स्ट थिंकर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टैलकॉट पार्सन्स। टैलकॉट पार्सन्स का अप्रोच स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एलमंड को भी इन्फ्लुएंस किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल देने के लिए। टैलकॉट पार्सन्स के अनुसार हमारी जो पावर है वो
वो एक सिस्टम के हिसाब से चलती है, जिस जिस सिस्टम में हम जो जो काम करते हैं वैसे पावर डिवाइड होने लगती है। तो जो सिस्टम का रोल है और सिस्टम में परफॉर्म किए जाने वाले कार्यों का रोल है, वो हमें पावरफुल बनाता है। जैसे प्रेसिडेंट की सर्टेन पावर्स है बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन, बिकॉज ऑफ हिज सिस्टम, बिकॉज ऑफ द फंक्शंस ही डज। गवर्नर की सर्टेन डिफरेंट पावर्स है क्योंकि वो सिस्टम में कुछ और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो टाइम एंड अगेन जो सेटिंग है इस बात की, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सिस्टम में फंक्शंस क्या हैं और कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। अगला थिंकर जो हम पढ़ेंगे वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है, जिसका नाम माइकल फुकॉल्ट है। माइकल फुकॉल्ट के नाम पे जो पावर ट्रांसलेटेड है वो पास्टोरल पावर है। पास्टोरल पावर अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पास्टोरल पावर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। इसको आप रेफरेंस में बायो पावर भी बुला सकते हैं, बाय चांस आपको नाम याद करना डिफिकल्ट लगे तो। फूको राज्य को एक मैसेज देते हैं, वो बोलते हैं कि स्टेट को जो पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए है उसमें एक्चुअली पर पर्सन का ध्यान रखना चाहिए है। सो बेसिकली पास्टोरल का मतलब ये होता है कि आप किसी तरीके से किसी को पाल रहे हो, इवन दो वो आपका अपना बच्चा नहीं है, आपका अपना सगा चाइल्ड नहीं है, बट आप उसकी केयर टेक कर रहे हो, उसे पाल रहे हो, उसे दुनिया की सारी खुशियां दे रहे हो, फैसिलिटीज दे रहे हो, रिसोर्सेज दे रहे हो। सो बेसिकली पास्टोरल पावर मतलब फॉस्टरिंग, फॉस्टरिंग मतलब वही अडॉप्ट करना, पालना कुछ समय के लिए। तो जो इंसान है उसको उसको फॉस्टर करना, उसकी केयर करना, उसको उसको एक सुरक्षित जिंदगी देना, और बदले में राज्य उससे क्या लेता है, बदले में राज्य उससे लॉयल्टी लेता है। तो बेसिकली स्टेट हर उस सिटीजन के लिए काम करेगा जो उस स्टेट के प्रति लॉयल है। तो ऐसा नहीं कि पास्टोरल पावर वन साइडेड है कि वो राज्य सिर्फ कर ही जा रहा है और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। राज्य बदले में एक्सपेक्ट कर रहा है, वो लॉयल्टी एक्सेप्ट कर रहा है, वो कनेक्टिविटी एक्सेप्ट कर रहा है, वो चाहता है कि आप साथ रहें, वो चाहता है कि आप उसके प्रति जवाबदारी रखें, उससे अटैच्ड रहें, उस स्टेट को फॉलो करते रहें। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्टेट के प्रति लॉयल्टी तोड़ेगा वो पेस्टोरल पावर में नहीं आएगा। तो पावर राज्य उन लोगों के लिए यूज करेगा जो लोग एक्चुअली राज्य के लिए लॉयल रहेंगे। आगे आएंगे मैकियावेली पे। मैकियावेली वैसे मैंने एक्चुअली परसों पढ़ाया है अन अकेडमी पे, तो आई थिंक मंडे को पढ़ाया था, तो अगर आपको डिटेल में करना है तो आप वहां से कर लो, नहीं तो वैसे ही बता देती हूँ कि निकोलो मैकियावेली एक्चुअली एक रियलिस्ट बैकग्राउंड से है। सो मैकियावेली के अनुसार राज्य का इकलौता काम होता है पावर पॉलिटिक्स को लाना, राजा का भी काम यही है कि पावर लो और पावर को संभालो, यानी उसको उसकी केयर टेक करो और उसे मेंटेन करो। ये अभी करा है हम लोगों ने। एक्चुअली हॉब्स का भी सेम ही आइडिया है, क्योंकि हॉब्स के केस में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा वो सॉवरन होगा, यानी वो किंग या सॉवरन या वो व्यक्ति जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अधिकार जो है वो उसके पास चले जाते हैं। अब देखो हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये बात क्लियरली लिखी गई है कि तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या ये करो या वो करो, तुम अपने मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। तो कल को रोने की जरूरत नहीं है कि मेरे अधिकार ले लिए इस किंग ने, इस सॉवरन ने मेरे से झूठ बोला, मेरे राइट्स ले लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से राइट्स ऑफर करे हैं। सो हॉब्स के केस में भी कहीं ना कहीं वो तुम्हें थर्ड डायमेंशन वाली बात नजर आ रही होगी, दैट पीपल बाय कंसेंट आर गिविंग देयर राइट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें कंट्रोल करे, क्योंकि अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर वो वॉर पे वॉर करते रहेंगे। एक और भी व्यक्ति है मैक्स वेबर। जब पावर की बात आती है तो मैक्स वेबर जाना तो बहुत इंपॉर्टेंटली जाता है, लेकिन एक स्पेशल वर्ड के लिए जो पावर नहीं है, वो स्पेशल वर्ड अथॉरिटी है। ऑफ कोर्स पॉल साइंस का कोई भी पेपर हो और क्या बोलते हैं मैक्स वेबर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैक्स वेबर इज अ फिक्स्ड क्वेश्चन। मैक्स वेबर एक्चुअली थ्री फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटीज देते हैं, उसमें वो ट्रेडिशनल देते हैं, करिज्मेटिक देते हैं और लीगल रैशनल देते हैं।
मतलब कि हमारे यहाँ कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही होती हैं, कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे करिश्मा या हमारी पर्सनालिटी से आती हैं, और कुछ अथॉरिटीज ऐसी होती हैं जो लीगली रैशनली कॉन्स्टिट्यूशन से, सोच से आती हैं राज्य के द्वारा। अथॉरिटी वर्ड अगर किसी को नहीं पता है तो जब पावर लीगल हो जाती है वो अथॉरिटी बन जाती है। जब भी पावर लीगल होती है तो वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ आइडियाज थे ऑन पावर, एज बहुत सारे थिंकर्स अपने करे, अभी आप और भी करोगे, हैना एरेंट, गांधी, अभी हमें और भी करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर बढ़ूँ, मैं आपको इस चैप्टर का दूसरा सबसे अहम क्वेश्चन बताऊंगी, डिफिकल्ट, लूक्स के बाद सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है केनेथ बोल्डिंग या कीथ बोल्डिंग का थ्री फेसेस ऑफ पावर। तो प्लीज डायमेंशन और फेसेस के बीच का फर्क याद रखिएगा। जब मैंने आपको क्यूब बना के दी थी तो मैंने आपको यहाँ पे ये डायमेंशन बताए थे कि ये एल है, बी है, एच है। जब मैंने आपको ये बताया था कि ये इसका एल है, ये बी है, ये एच है, तो ये डायमेंशंस थे। लेकिन जो ये है, ये फेसेस हैं, जैसे ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, वो फोर्थ फेस, ये नीचे फिफ्थ फेस। तो ये जो सिक्स फेसेस हैं वो फेसेस कहलाते हैं। जैसे स्टीवान लूक्स ने तीन डायमेंशन बताए हैं, वैसे ही केनेथ बोल्डिंग ने थ्री फेसेस बताए हैं। केनेथ बोल्डिंग के जो थ्री फेसेस हैं उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब भी पावर स्टार्ट होती है तो उसका पहला रूप होता है डराना। जनरली जब हमारे दिमाग में पावर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव आता है, सबसे पहले फोर्स आता है, सबसे पहले डर आता है। इंटिमिडेट करने का मतलब होता है किसी को डरा के रखना, डंडे के जोर पे किसी से काम करवाना, यानी स्टिक, डंडे के जोर पे, फोर्स के जोर पे किसी से काम कराना पावर का पहला चेहरा होता है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। सेकेंड आता है द डील, म्यूचुअल गेन। दूसरा पावर का चेहरा ये होता है कि जब आपको ये लग रहा हो कि मेरा भी फायदा हो रहा है, तुम्हारा भी फायदा हो रहा है, तो चलो इस बात पे अग्री कर लेते हैं, तो पावर कहीं ना कहीं बीच में आके रुक जाती है, क्योंकि आप दोनों उस डील को इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप दोनों का फायदा है। तो दोनों में से कोई पार्टी डर नहीं रही है, दोनों अग्री कर रहे हैं उस पॉइंट पे, दोनों को पता है अंदर अंदर कि ये डील साइन करने से मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है। इसलिए सेकेंड टाइप ऑफ पावर वो होती है जिसमें आप म्यूचुअली अग्री करते हो एक दूसरे की बातों से, क्योंकि आपको पता है इसमें दोनों का फायदा है। जो थर्ड कैटेगरी है वो ऑब्लिगेशन, लॉयल्टी या कमिटमेंट या किस की कैटेगरी है, मतलब जब आप किसी की बात फोर्स या गेन की वजह से नहीं मानते बल्कि एक रिस्पेक्ट की वजह से मानते हो, लॉयल्टी की वजह से मानते हो या कमिटमेंट की वजह से मानते हो। तो ये जनरली काफ़ी पर्सनल एस्पेक्ट होता है। जैसे अगर कोई अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है तो वो ऑब्लाइज्ड होके मान रहा है, वो डर के या म्यूचुअल फायदे के लिए नहीं मान रहा उस बात को, वो ऑब्लिगेशन या लॉयल्टी के तौर पर मान रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा बनता है कुछ करना, उस रिगार्ड में उसने अग्री कर लिया। तो ये काफी पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ पावर है तीसरा वाला। तो तीन चेहरे क्या हैं पावर के? पहले वाले चेहरे में बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है, बहुत ज्यादा डर होता है। तो जब आप किसी को डरा के यूज करते हो पावर, वो इंटिमिडेशन या फर्स्ट फेस या स्टिक है। सेकेंड में पावर म्यूचुअल होती है कि किसी को लग रहा है मेरा फायदा, दूसरे को लग रहा है मेरा फायदा, तो वो बात को मान लेते हैं। और तीसरी होती है जब आपकी लॉयल्टी या कमिटमेंट या आपकी जिम्मेदारी इन्वॉल्व होती है, तो आप खुद से कह देते हो कि ठीक है मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। पावर के तीनों चेहरों में पहला ऑब्वियसली फैसला लेना, दूसरा ऑब्वियसली एजेंडा बनाना, और तीसरा अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको आपकी बात मनवाना। कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने लूक्स के पढ़े हैं। तो नीचे वाला आपको एक्चुअली मैटर नहीं करता, याद करना, ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स आपको मैटर बहुत करते हैं। नीचे वाला देखो बिल्कुल सेम है, उसके में भी पहला डिसीजन था, दूसरा एजेंडा था और तीसरा मैनिपुलेशन था, तो सेम है एग्जैक्टली। फॉर्म्स ऑफ पावर पे बढ़ते हैं, पहले पॉलिटिकल पावर का जिक्र कर लेते हैं। पॉलिटिकल पावर बहुत सिंपल है, जब आप मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करते हो
तो आपकी पॉलिटिक्स में कितनी जो है कैपेसिटी है, आपकी जुडिशरी कितनी स्ट्रांग है, पार्लियामेंट कितना स्ट्रांग है, ऑपोजिशन और प्रेशर ग्रुप को कितना इंपॉर्टेंस मिलता है, मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है, ये सब पॉलिटिकल पावर में आता है। तो ना केवल सरकार आज़ाद होनी चाहिए बल्कि सरकार से जुड़े हुए और तत्व भी आज़ाद होने चाहिए हैं। मतलब मीडिया आज़ाद हो, जुडिशरी आज़ाद हो, वो कितने फैसले ले सकते हैं, ऑपोजिशन को देश में काम करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये पॉलिटिकल पावर है, बहुत सिंपल है। दूसरी इकोनॉमिक है, आई थिंक ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। जहाँ पर पॉलिटिकल होगा वहाँ इकोनॉमिक हो गई। मेरे को लगता है हम लगभग रोज बातों बातों में एक बार ये डिस्कशन कर ही लेते हैं कि जहाँ राजनीति आएगी वहाँ इकोनॉमिक आएगी, जहाँ इकोनॉमिक आएगी वहाँ राजनीति आएगी। कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी इलेक्शंस, कोई भी राजनीति बिना पैसे के चली नहीं सकती है। तो फिनेंशियल सपोर्ट जब तक पॉलिटिक्स को नहीं मिलता तब तक पॉलिटिक्स का रिटेन रहना पॉसिबल नहीं है। सो ये दोनों साथ में जाती हैं। एक और होती है आइडियोलॉजिकल, अगेन ग्राम्स्की जैसों पे डिपेंडेंट है ये, या फिर हीगल जैसों पे डिपेंडेंट है, बिकॉज ये लोग आइडियाज़ पे फोकस करते हैं। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि आइडियाज़ इंसान को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं आपको कितनी बार कहती हूँ कि आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। बिकॉज वंस एक आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, तो वो इंसान को सनकी कर सकता है, पागल कर सकता है, अगर वो आइडिया बहुत हावी हो जाए हमारे सिर पे। जो मेंटल डिजीजेस होती हैं वो भी आइडियल इम्पैक्ट्स ही होते हैं। हम अपने मन में कोई आइडियाज बना लेते हैं, हम ये सोचने लगते हैं हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, एंड फिर हर फैक्टर हमें डिप्रेशन की तरफ लीड कर देता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अकेले, अगर हम बार बार इस थॉट को बढ़ने देंगे, पनपने देंगे, तो वो फैलता जाएगा और हमें बार बार नैरो डाउन करेगा कि येस वी आर ऑल अलोन। तो आइडियाज़ बेसिकली इस समाज को चलाते हैं, पैसा नहीं चलाता समाज को। अगर कोई चीज़ समाज को सबसे ऊपर चलाती है तो वो आइडियाज़ है। आइडियाज़ आर दी हाईएस्ट रनिंग सोर्स ऑफ पावर इन द वर्ल्ड। तो जब हम आइडियाज़ के बलबूते पे समाज को फ्रेम करते हैं तो जितने आइडियाज़ अच्छे होंगे उतना बेटर रहेगा। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज हम अपने दिमाग की वजह से किसी और को भी उस दिमाग में डाल लेते हैं। जैसे अगर हम नाजी आइडियोलॉजी के फेवर में हैं तो हम अपने आसपास सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि नाजी आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो जब लोग इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे फिर वो खतरनाक हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने मार के उन्हें नाजी आइडियोलॉजी को फेवर करवाया था, क्योंकि वो अपने कंसेंट से उसे फेवर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसके साथ अग्री कर रहे हैं। हमने किसी को मारा नहीं था वो मानने के लिए। तो आइडियोलॉजिकल पावर में हमारे दिमाग का खुद का अग्रीमेंट होता है एक आइडिया की तरफ, इसीलिए हम मानते हैं उसे। ऐसे बहुत सारी गाइस थ्योरीज भी हैं पावर की, जैसे एलिटिज्म है। ये हम लोग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों में, हमारा कोर्स चल रहा है ना अन अकेडमी पे, जो उसमें पढ़ेंगे। पहली पावर थ्योरीज में यही होता है कि समाज में जो लोग एलीट होते हैं, ऊंचे हैं, पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं, उन लोगों को सारे बड़े फैसले लेने को मिलते हैं। तो परेटो, मास्का, मिशेल्स, ये लोग हैं जो एलीटिज्म को डिफाइन करते हैं। सी डब्ल्यू मिल्स है, गसेट है, तुम लोग इसको तब पढ़ना जब चैप्टर आएगा। फिर जेंडर थ्योरी है पावर में कि मेन और वुमेन के बीच में बहुत डिवीजन होता है। यूनिवर्सली हमेशा से यही माना जाता है कि जो मेन है उन्हें वुमेन पे डोमिनेट करना चाहिए है, तो ये भी पावर का एक बहुत गंदा रूप है। फिर एक क्लास थ्योरी है जो मार्क्स और इंगल्स ने दी है कि जो बुर्जुआ है, पैसे वाले हैं, कैपिटलिस्ट है, वो हमेशा प्रोलीटेरिएट पे या वर्कर क्लास पे कंट्रोल करते हैं। तो पावर का वो रूप क्लास स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है, मार्क्स और इंगल्स ने दिया है। हमारे पास ग्रुप थ्योरी भी है, जैसे हमें विलकम लाय का भीखू पारेख में पढ़ने को मिलती है कि ग्रुप थ्योरी में क्या होता है, जो राइट्स होते हैं वो कैसे डिवाइड करे जाते हैं और जो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है उसकी बात सुनी जाती है। तो हर जगह पर वही ग्रुप फैसले लेता है, वही आवाज़ उठाता है, वही सामने जाता है जो डोमिनेटिंग होता है या जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं। एक और व्यू ऑफ पावर पढ़ाती हूँ जिसे कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर कहते हैं। तो जनरली हम लोग पावर को डिस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं, राइट, कि पावर होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, मार धाड़ होगा, वायलेंस होगा। बट एक सेट ऑफ लीडर्स ऐसे भी हैं जो पावर को कंस्ट्रक्टिव मानते हैं, जो ये मानते हैं कि पावर एक्चुअली बेस्ट चीज़ों के लिए यूटिलाइज करी जा सकती है, और इन लोगों ने प्रैक्टिकली ऐसा किया भी है। तो इंस्टेड ऑफ पावर ओवर फॉलो करने की जगह ये लोग पावर टू फॉलो करते हैं, कि कुछ अच्छा करने की क्षमता, कैपेसिटी या पावर।
तो फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने इंडिया को पावर टू एक्सरसाइज करवा के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में साथ लेकर आया, मास स्ट्रगल अरेंज किया एंड ही लेड द होल कंट्री. ऐसे हैना एरन ने ऑन वायलेंस में एक्सप्लेन किया है कि पावर ओवर कितनी बेकार होती है लेकिन पावर टू कितनी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है. तो गांधी, हैना एरन, सी बी मैकफर्सन, ये सभी लोग कंस्ट्रक्टिव पावर की बात करते हैं. हैना एरन हमें ये भी कहती हैं ऑन वायलेंस में कि वायलेंस और पावर के बीच में काफी फर्क होता है. जब रूलर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट तो वो वायलेंस है, लेकिन अगर लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, लोग अगर अपनी मर्जी से काम करते हैं, अगर फैसले लेते हैं अपनी मर्जी के, तो वो पावर के अंडर आता है, वायलेंस के अंडर नहीं आता. तो अगर रूलर के रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है तो पावर है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर रूलर फोर्सफुली कोई काम करवा रहा है अपने सब्जेक्ट से उनकी मर्जी के खिलाफ, तो हैना एरेंट उसे वायलेंस कहेंगी. तो बेसिकली हैना एरेंट के लिए वायलेंस पावर ओवर ही तो है. देखो, जब आप अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाकर किसी और के लिए काम करते हो वही तो वायलेंस है. मतलब वायलेंस इज इक्वल टू पावर ओवर इन केस ऑफ हैना, एंड पावर टू उनके लिए सिंपली पावर है. मतलब एक पावर उन्होंने पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्टिव बताई है और एक पावर उन्होंने नेगेटिव यानी डिस्ट्रक्टिव यानी वायलेंट बताई है. तो पावर एक्चुअली अच्छी होती है लेकिन वायलेंस उसमें जो है खतरा बन जाता है. गांधी का भी व्यू ऑफ पावर पढ़ सकते हैं. गांधी ने रूलर्स को पावर देने की बजाय लोगों को पावर देने की बात करी है. गांधी का एक्चुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा रूट्स से, ग्राउंड स्केल से, रूरल आइडियाज से बेस्ड था, विलेजेस से बेस्ड था. तो वो ये चाहते थे कि हमारा जो इंडिपेंडेंस गोल है वो स्वराज हो यानी सेल्फ रूल, हम पावर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकें. वो अपने हिसाब से पावर को दिखाना चाहते थे. वो चाहते थे कि लोग अपनी तरफ से पावर का यूज करें, लोग कभी भी ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट ना हो पावर दिखाने के लिए. सो पीपल शुड देमसेल्फ रियलाइज कि पावर का मीनिंग क्या है. तो गांधी का व्यू भी कंस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि गांधी लोगों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, रूलर को मजबूत करने की बात नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं. सो ये ऑल द थिंकर्स कंबाइंड हमने पावर का मोस्ट डिटेल्ड क्लास कवर कर लिया है, कवरिंग ईच एंड एवरी थिंकर, बुक्स, कॉन्सेप्ट, लूक्स एंड एवरी वन एल्स, केनेथ बोल्डिंग. तो डायमेंशंस और फेसेस वाला पॉइंट स्पेशली याद रखिएगा, डाल याद रखिएगा, हैना एरेंट याद रखिएगा. ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. लगी है तो प्लीज लाइक कर जाइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट क्लास एंड एट 7.